नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं हम, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल टेट्रापोड्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। टेट्रापोड्स और इत्तेफाक देखिए कि टेट्रापोड, टेट्रा मीन्स चार, पोड्स मीन्स लिंब, पैर, ठीक है, हाथ पैर, चार इसमें पैर होते हैं। और ये इत्तेफाक देखिए कि इस टेट्रापोड में चार क्लास भी हैं, चार क्लास भी हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। चार पैर वालों में चार क्लास पढ़ना है, और चार क्लास में एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एबीज है, मैमेलिया है, ठीक है। तो चार क्लास पढ़ते हैं, तो चलिए देख लिया जाए इन चारों क्लास के बारे में कंपेरिजन आज हम बताने वाले हैं आपको, तुलनात्मक अध्ययन के बारे में बात करने वाले हैं। तो देख लिया जाए क्या है इसमें कुछ खास, तुलनात्मक अध्ययन को देख लिया जाए। तो देखिए हम आपको बता दें, सबसे पहले देखिए ये टेट्रापोड्स क्या है मेरे दोस्त, ये टेट्रापोड्स की हम बात करने वाले हैं। तो टेट्रापोड्स में आप देख रहे हैं कि टेट्रा मीन्स चार, पोड्स मीन्स पैर, ठीक है, अर्थात जिसमें ऐसा एक जंतु, इसमें ऐसा एक जंतु और इसमें जो है वन टू मतलब कितने हो गए, चार हो गए। अभी चार इसको मिल गए उपांग, चार उपांग मिल गए, अब चाहे इससे चले, अब चाहे अपना भोजन पकड़े, ठीक है। तो टेट्रापोड्स इसे कहेंगे। इसमें देखिए चार क्लास में कौन कौन से हैं, एक तो है एम्फीबिया, ठीक है, कौन सा क्लास है दोस्त, एम्फीबिया है, दूसरा है रेप्टिलिया, ठीक है, रेप्टिलिया, और तीसरा है एवीज, और चौथा है मैमेलिया। आप घबराइए ना, थोड़ा सा हम जल्दी में है, ठीक है, आप बता दे रहे हैं क्लासेस मिस हो रही थी इसलिए हम आपको एक क्लास दे दे रहे हैं, फिर से थोड़ा सा अभी व्यस्त है, और जैसे हम फ्री होते हैं आपको अच्छे ढंग से विधिवत पूरी प्रिपेयर करवा देंगे। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मैमेलिया, ठीक है। एम्फीबिया का मतलब देखिए दो शब्द से मिलकर बना है, एम्फी प्लस बायोस, एम्फी प्लस बायोस, एम्फी का मतलब होता है बोथ, एम्फी का मतलब होता है बोथ, और बायोस मतलब लाइफ, मतलब ड्वेल नेचर दिखाता है। एम्फीबिया में जो भी जंतु हैं, एम्फीबिया के अंतर्गत जो भी जंतु हैं, इसमें दुई प्रकृति होती है, ड्वेल नेचर दिखाते हैं। ये है क्या ड्वेल नेचर, दुई प्रकृति का मतलब एक तो एक स्थल पे भी रहते हैं, ठीक है, और एक जल में भी रहते हैं। तो जहां जल और स्थल दोनों आ जाता है, दलदल होता है। तो आपने पादप में देखा था, पादप जगत में, कि जो एम्फीबियन प्लांट्स कहलाता है, पादप जगत का उभयचर जो होता है वो कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा में क्योंकि उसमें जल में भी और स्थल के दोनों के गुण दिखाता है, उसमें निषेचन के लिए जल आवश्यक होता था, ठीक है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम हो गया था ब्रायोफाइटा, क्योंकि दलदल पे पाया जाता है। तो यहां पर एम्फीबिया, एम्फीबियन का मतलब बोथ, दोनों नेचर दिखाता है, दोनों प्रकार का जीवन दिखाता है, एक स्थली भी होता है और दूसरा जली भी होता है, ठीक है, ये तो आप समझ रहे हैं। दूसरी खास बात है रेप्टिलिया के बारे में, देखिए ये किस शब्द से मिलकर बना है, रेप्टम, रेप्टम शब्द से मिलकर के बना है। अब यहां देख रहे हैं टू क्रीप, क्रीप मतलब रेंगना, चल रहे हैं, रेंग रहे हैं, टू क्रीप, क्रीप करना, और दूसरा शब्द है क्राउल, क्राउल का मतलब क्या है, सरकना। देखिए रेंगना सरकना दोनों में अंतर है। अब इसमें क्या है, जैसे सांप आप देखते हैं, सांप देखे हैं तो क्या करता है, रेंगता है, आप उसे दौड़ाएंगे, सांप दिख गया तो वो तो कहेगा नहीं कि भैया हम थोड़ा सा चलते हैं, धीरे धीरे रेंग के भागते हैं, वो तो ऐसा करेगा नहीं, ठीक है, वो सरकेगा, ठीक है। तो सरकना, रेप्टम शब्द से बना है टू क्रीप, और क्रॉल का मतलब क्या होता है, सरकना। नहीं समझ में आया तो एक आठ आप गाना भी याद कर लीजिए, सुना दें, सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं, धीरे धीरे तेरी चुनरिया, ज्यादा नहीं, ज्यादा लालच में नहीं चलते हैं, आगे चलते हैं। रेप्टिलिया के बाद आ गया एवीज, एवीज मींस क्या भाई, इसमें बर्ड को देखना है, और मैमेलिया, मैमेलिया मतलब समझ जाइए क्या, मैन, मैन वोमेन सब हो सकते हैं, हम सब आप क्या है, मैमेलिया स्तनी वर्ग में जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, ठीक है, दूध पिलाता है, स्तन होता है, उसको हम किसमें रखते हैं, मैमेलिया में। और एवीज में बर्ड्स सभी शामिल है, पक्षी शामिल है, क्योंकि पक्षी क्या करते हैं, उड़ते भैया उड़ रहे हैं, ये एवीज बर्ड्स है, इसमें फीदर होते हैं, पंख होते हैं। और रेप्टिलिया में मैंने बता दिया इसके अंतर्गत ऐसे जंतु है जो या तो सरकते हैं या तो रेंगते हैं, लिजार्ड, छिपकली, सर्प, अभी सभी हम बताने वाले हैं कंपैरिजन अध्ययन। देखिए अब इसका तुलनात्मक अध्ययन की बात करें तो पहले हम हैबिटेट की बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स लेकर के उपस्थित हैं, ठीक है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ये पूरे यहां रेप्टिलिया के बारे में, यहां एवीज के बारे में, यहां मैमेलिया के बारे में, और यहां किसके बारे में भाई, यहां एम्फीबिया के बारे में। तो अब यहां देखिए जो हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब कहां रहते हैं, स्वभाव, आश्रय, तो कहां रहते हैं। अब हैबिटेट में देखिए एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक मींस एम्फीबिया जो है ये जलीय अथवा स्थली, कैसे होते हैं दोस्त, जलीय अथवा स्थली, मतलब जल में भी हो सकते हैं और स्थल में भी हो सकते हैं, इसी कारण से इसे हम कहते हैं दलदली है, ठीक है, उभयचर होते हैं। और ये क्या है, रेप्टिलिया, मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ये मुख्य रूप से कहां होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, अर्थात ये स्थल पर होते हैं, ठीक है, स्थल पर होते हैं, रेप्टिलिया जलोल में नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा इसमें छिपकली की बात कर रहे हैं अभी, सर पर की तो वह पर सब की बात ना करिए, अभी हम उसके बारे में भी आपको भी बता रहे हैं, ठीक है।
तो मोस्टली जो है टेरेस्ट्रियल होते हैं, छिपकली उपकली, तो कोई पानी तो रहेगा नहीं। अब एवीज जो है, एवीज के बारे में, तो ये कैसे होते हैं एवीज? एरिया, एरिया मतलब वायवी, वायु में होते हैं भाई। कहां होंगे वायु में? चिड़िया कहां उड़ेगी? चिड़िया पानी में तो उड़ेगी नहीं, ये तो वायु में चलेगी, तो ये वायवी होते हैं। अब कुछ जो है टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ जो है पक्षी उड़ने वाले नहीं होते हैं, घोंचू टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे आप सोचिए कि कुछ पानी में होगा, जैसे पक्षी अब बत्तख वत्तख देखते हैं तो पानी में नहीं चलेगा, पानी में चलेगा, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल में जैसे पेंगुइन है, पेंगुइन है, अब वो भी कहां होगा? टेरेस्ट्रियल होगा, स्थल पर ही होगा, ठीक है। अब मैमेलिया में ये कैसे है? डाइवर्स हैबिटेट। डाइवर्स हैबिटेट मतलब, हैबिटेट का मतलब क्या है? ये अपनी देख करके मौसम बना करके अपना रहते हैं, समझ रहे हैं। मोस्टली मुख्य रूप से क्या होते हैं, मैमेलियन स्थलीय होते हैं, लेकिन अपने आप को कन्वर्स करते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए बॉडी डिवीजन की अगर बात करें, दूसरा पॉइंट है बॉडी डिवीजन। अब बॉडी डिवीजन में देखिए क्या खास बात है। अब इसका जो बॉडी डिवीजन है किसका? एम्फीबिया का। एम्फीबिया की जो बॉडी डिवीजन की अगर हम बात करें, तो इज मोस्टली हेड और ट्रंक के दो भाग में बटे होते हैं एम्फीबिया। मोस्टली हेड एंड ट्रंक मतलब ये सिर और धड़ दो भाग में बटे होते हैं कि कौन? एम्फीबियंस। जैसे मेढक उढ़क को देख लीजिए तो मेढक में सिर दिखेगा या धड़ दिखेगा। अब उसमें देखिए लेकिन कुछ में, हम आपको बता दें, कुछ में भाई मेरे भाई हेड भी होगा, ट्रंक भी होगा, इसमें से देखिए एक नेक एक टेल, तो कुछ में नेक भी होगा और टेल भी होगा, किसमें होगा अभी हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो है, जो बॉडी डिवीजन की अगर बात करें एम्फीबिया में, तो हेड और ट्रंक होता है, और कुछ में जो है एक नेक भी होगा, टेल भी होगा। लेकिन रेप्टिलिया में, रेप्टिलिया जो है, अब रेप्टिलिया में मेरे दोस्त इसको समझिए चारों भाग में बटा होता है, मतलब रेप्टिलिया में हेड भी होगा, नेक भी होगा, गर्दन भी होगा, ट्रंक धड़ भी होगा, टेल माने पूंछ भी होगी। जो छिपकली आप देखे हैं, छिपकली चल रही तो उसमें कुछ ही नहीं लाती है, कुछ ही कट जाती है, फिर से बड़ी भी हो जाती है, रिजनरेशन की कैपेसिटी होती है, पुनरुद्धरण की क्षमता होती है उसमें, ठीक है। और इसमें एबीज में भी होता है भाई, हेड भी होगा, गर्दन भी होगा, ट्रंक भी होगा, टेल भी होगा, किसमें? एबीज में। कौन लोग ऐसे पक्षी ना थोड़ी है कि जिसमें जो है पूछ कुछ नहीं होता है, ऐसे रहेगा, तो इसमें भी होगा चारों। मैमेलिया में भी इसमें भी क्या होंगे? चारों होंगे। अब आप सोच रहे हैं कि हमारे कुछ कहां है, अब गर्दन है कि नहीं है? गर्दनवा है ना, गर्दन भी है, सर भी है, धड़ भी है, अब कुछ में क्या पूंछ? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, दादा के बाबा जो भी थे, तो उनमें क्या पाए जाते? पूंछ पाए जाते ना। तो अब इसमें मैमेलिया में जितने भी स्तनी होंगे, जैसे मान लीजिए गाय भैंस के देख लीजिए, तो गाय भैंस में पूंछ होती है कि नहीं होती है? किसमें है? मैमेलिया में ना है, तो इसमें भी होगा, गर्दन भी होती है उसकी, सर भी होता है, धड़ भी होता है, कुछ भी होती है, सब होता है। तो ये आप बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है, उसको भी थोड़ा समझ लिया जाए। देखिए अगले पॉइंट्स में बॉडी डिवीजन की हमने बात किया, बॉडी डिवीजन के बाद अब देखिए क्या पॉइंट है अगला। बॉडी कवरिंग मतलब शरीर जो इनका घिरा होता है, शरीर जो इनका घिरा होता है किससे घिरा होता है, इसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए बॉडी कवरिंग एम्फीबिया है, थोड़ा सा यहाँ हम लिख दे रहे हैं तो आपका दिमाग गुजगुचा जाएगा कि भाई ये किसमें हम बात कर रहे हैं। ये एम्फीबिया की बात कर रहे थे, और ये किसकी बात कर रहे थे? रेप्टिलिया की बात कर रहे थे, रेप्टिलिया है, और ये क्या था? एवीज था, और ये क्या था? मैमेलिया था, ठीक है, मैमेलिया था, ठीक है। अब देखिए एम्फीबिया में इसकी बॉडी कवरिंग, इसकी एम्फीबिया की जो बॉडी कवरिंग होती है मॉइस्ट होता है, मतलब नम होता है इसकी त्वचा, मॉइस्ट स्किन विदाउट स्केल, मतलब एम्फीबिया की विशेषता है कि इसमें बाहर से जो है वो स्केल उसकेल नहीं पाई जाती है। जैसे आप मछली देखते हैं तो उसके ऊपर सल्क होती है ना, सल्क, तो इसमें जो है सल्क ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसकी स्किन जो होती है मॉइस्ट होती है, चिकनी भी होती है, नम भी होती है, अर्थात इनको बोरो प्लस फेयर लवली कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कि अलग से लगाए हम लोगों में क्या है कि नहीं, थोड़ा सा रुखी तो सूखी त्वचा है, कहीं निकल रहे हैं कहेंगे यार कोई देखेगा तो अभी पसंद नहीं करेगा, थोड़ा लगा ले, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब बात अगर हम करें इसमें, देखिए ये तो बात कर लिया कि एम्फीबिया में जो है मॉइस्ट स्किन होती है, इनकी त्वचा जो होती है नम होती है हमेशा, ठीक है, गीली होती है, विदाउट स्केल, स्केल्स नहीं होती इसमें। लेकिन रेप्टिलिया जो है, रेप्टिलिया इनका जो है, इनकी जो जो बॉडी कवरिंग होती है ड्राई होती है, थोड़ी सी सूखी उखी त्वचा, ठीक है, एंटीसेप्टिक बोरो प्लस आहा, तो ये थोड़ा सा जो ड्राई टाइप की होती है, कार्निफाइड एपिडर्मल स्केल, बाप रे बाप। अब इनकी जो त्वचा ढकी होती है वो किससे ढकी होती है भाई? ड्राई कार्निफाइड एपिडर्मल स्केल से इनकी त्वचा ढकी होती है, मतलब स्पेशल टाइप की, मतलब इनका एक प्रोजेक्शन है, ठीक है, इससे कार्निफाइड एपिडर्मल स्केल से इनकी त्वचा ढकी होती है, किनकी? रेप्टिलिया की। और एवीज में क्या होते हैं, इनमें त्वचा की अगर बात करें तो इसमें फीदर्स होता है, फीदर मतलब पंख, जिससे उड़ता है पंख, ठीक है। तो इसमें जो है एवीज में क्या होते हैं? फीदर्स, पंख होते हैं, क्या होते हैं दोस्त? पंख। मैमेलिया में क्या होते हैं? कि पूरी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, बॉडी के ऊपर हेयर। अब आप कहेंगे तो हम सनी लियोनी को देखते हैं तो उसके बॉडी के ऊपर कोई हेयर ही नहीं होता है, तो ये बात गलत है।
क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे अब गाय भैंस को भी देखिए, हम पूरा मैमेलियन एक्टिव थोड़ी देख के चलेंगे, अब मानव को भी देख रहे थे, अभी हम सीना अपना दिखा दे पूरा, तो हेयर्स नहीं है इसमें और जगह की आप ना सोचिएगा, ठीक है, ये हम सर और जो है सर और दिखा दे तो हेयर नहीं है हमारे इस यहाँ पर रोए हुए नहीं है, तो हेयर्स है बॉडी पर, क्या है दोस्त हेयर्स है। गाय भैंस में भी तो बिना हेयर का कोनो रहता है क्या? सनी लियोनी को भूल जाइए, सोरेरा को भूल जाइए, ठीक है, प्रीति जिंटा को भूल जाइए, अब उनमें तो मूछ होता नहीं कि मूछ होता है, ठीक है, लेकिन हाँ ये जो बॉडी कवरिंग होती है उनमें हेयर्स होते हैं, ठीक है, इसमें मैमेलिया में ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एम्फीबिया में, अब इसमें हार्ट चैम्बर की बात करें भाई, इनका जो हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं एम्फीबिया में, देखिए ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्फीबिया में जो हार्ट चैम्बर होते हैं कितना, 3 चैम्बर होता है एम्फीबिया में, हार्ट 3 चैम्बर होता है, यह बात आप नोट कर लीजिए, ध्यान दे लीजिए, ठीक है, 2-3 चैम्बर होता है, 3 इसमें होते हैं चैम्बर, तो 2 आर्टिकल होता है 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है, 2 आर्टिकल और 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है। अब जो रेप्टिलिया है, रेप्टिलिया भी 3 चैम्बर होता है, कोनो कोनो बुक में ना 3 सही 1/2 मतलब 3.5 चैम्बर लिख दिया था, आप तक समझ में नहीं आया 3.5 चैम्बर होता कैसे भाई, आधा चैम्बर कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगा, लेकिन हम आपको बता दें आप ध्यान रखिएगा कि 3 चैम्बर ये भी होता, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, क्या क्रोकोडाइल मगरमच्छ, ये देखिए एक्सेप्ट मगरमच्छ रेप्टिलिया का है, लेकिन इसका जो हार्ट है 4 चैम्बर वाला होता है, 4 कोष्ठक वाला होता है, ठीक है, इसका हृदय किसका, रेप्टिलिया में, क्रोकोडाइल का, ये बात ध्यान रखिएगा, कई बार आ भी चुका है, ठीक है, कई बार आ चुका है। अब जो एवीज है, एवीज पक्षी, इनका जो हार्ट होता है इनका भी 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर इसमें, अब इसकी विशेषता 2 आर्टिकल होता है 2 वेंट्रिकल होता है, सेम अपने लोग की तरह, अपने लोग में भी अलिंद निलय दाया बाया, ठीक है, तो 4 चैम्बर होते हैं, तो इसमें भी 4 चैम्बर है, मैमेलिया में भी कितने चैम्बर होते हैं 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, हम लोगों में भी 4 चैम्बर। अब अगली खास बात क्या है, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर की बात करें सभी चारों की, बॉडी टेम्परेचर के बारे में तो कैसे होते हैं तुलनात्मक अध्ययन के बारे में, जो एम्फीबिया का जो बॉडी टेम्परेचर, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कैसे होते हैं भाई, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अर्थात जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं एनिमल्स, उनको कहा जाता है पोकाइलोथर्मिक, क्या कहा जाता है पोकाइलोथर्मिक, ये आप टर्म ध्यान रखिएगा, कोल्ड ब्लडेड, देखिए इससे संबंधित मैंने आपको बताया भी था, केवल आप ध्यान रखिएगा BMW, ठीक है, BMW इसका मतलब केवल बर्ड और मैमेलिया को छोड़ करके बाकी सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब ये W मतलब होता है वार्म ब्लडेड, क्या होता है वार्म ब्लडेड, केवल बर्ड और मैमेल को छोड़ करके, बर्ड और मैमेल कैसे होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है, और लेकिन ये कैसे होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं एम्फीबियंस, ठीक है, इनको पोकाइलोथर्मिक कहा जाता है। अब पोकाइलोथर्मिक ये होते हैं कौन, रेप्टिलिया भी होते हैं, अर्थात कैसे ब्लडेड होंगे, कोल्ड ब्लडेड होंगे ना होंगे, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोकाइलोथर्मिक कह दिया तो, ठीक है। अब यहां देखिए एवी जो होते हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं, अभी मैंने बताया कि BMW तो ई आ जाते हैं BMW में, ठीक है, BMW मतलब ये दोनों, मतलब मैमेलिया अभी से बर्ड, ठीक है, बर्ड और मैमेलिया दोनों कैसे होते हैं वार्म ब्लडेड, ठीक है। अब वार्म ब्लडेड अगर है तो इनको पोकाइलोथर्मिक नहीं कहेंगे, होमियोथर्मिक कहेंगे, ये भी होमियोथर्मिक होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा दोस्त, ठीक है। अगर कहीं आपको कुछ सभी समस्या होती है, फास्ट स्पीड है, कुछ भी है, तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगले पॉइंट को देखते हैं, रेस्पिरेशन की बात करते हैं, श्वसन। अब श्वसन देखिए चारों में जो एम्फीबिया है इनमें श्वसन लंग्स के द्वारा होता है, फेफड़े के द्वारा चल रहा है, ठीक है, अब फेफड़ा तो फाड़ के दिखा नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन दिखा भी देते ऐसा नहीं, और इसमें लंग्स के द्वारा भी होता है, गिल्स के द्वारा भी होता है, और स्किन के द्वारा भी होता है, और बक्कल फेरेंजियल कैविटी, ठीक है, बक्को फेरेंजियल कैविटी इसके द्वारा भी, लंग्स के द्वारा, गिल्स के द्वारा, स्किन सब सिस्टम इसमें उपलब्ध है, ठीक है, कोनो एकाठ नहीं तो दूसरे के द्वारा ही काम कर लेगा, बड़ा बढ़िया जो है इसमें, ठीक है, गॉड गिफ्टेड है ये। अब देखिए जो रेप्टाइल्स है, अगर ये रेप्टाइल्स हम बता दें, अगर लैंड पर है, मतलब स्थल पर है, ये रेप्टाइल्स सरक रहा है, ठीक है, स्थल पर सरक रहा है, तो उसमें जो श्वसन होगा किसके द्वारा होगा, लंग्स के द्वारा। अगर पनिया में है, पानी में है, ठीक है, अब पानी में मैंने बताया जैसे क्रोकोडाइल है ना, यो है, दूसरा का अगर कोनो आगे जंतु वो है, तो उसमें अगर पानी में है तो किसके द्वारा होगा, गिल्स के द्वारा होगा, ठीक है, आप समझिए स्थल पर है तो लंग्स के द्वारा, फेफड़े के द्वारा, अगर पानी में है तो गिल्स के द्वारा, ठीक है। अब यहां समझिए अगली खास बात क्या है यहां पर, कि एवीज में किसके द्वारा, लंग्स एसोसिएटेड विथ एयर स्केल्स, ठीक है, सॉरी एयर सैक्स, ठीक है। देखिए एवीज में लंग्स जो इसका फिफड़ा होता है,
और उस किससे संबंधित होता है, एयर सैक्स के द्वारा होता है। और एयर सैक्स फोर पेयर प्लस वन, मतलब फोर पेयर में होता है प्लस वन, अर्थात चार दुनिया आठ है नौ। एयर सैक इसमें कितने होते हैं, नौ होते हैं। ये भी एकदम डायरेक्ट ऐसे पूछा है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। एवीज में जो है, जो लंग से एसोसिएटेड विथ एयर सैक, तो एयर सैक्स की संख्या कितनी होती है, तो कई होती है नौ होती है, नौ, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब मैमेलिया जो है, मैमेलिया में किसके द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा है। हम सब में कैसे होता है, लंग्स के द्वारा, कोनो गिल्स होता है ये नहीं कि यहाँ गार्ड किसी ने गिल्स दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। किसके द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा होता है। चलिए अगली खास बात क्या है, अगली खास बात की तरफ उसकी तरफ भी बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। रेस्पिरेशन की हो गया, अब इसकी एक्सक्रीशन की हम बात करेंगे। एक्सक्रीशन को देखिए क्या कह रहा है, जो एक्सक्रीटरी मैटर है तो एम्फीबिया, अरे बाप रे बाप, इतना हम भूल ही जा रहे हैं, थोड़ा सा लिख ले नहीं तो माइंड गुजमुचा जाएगा आपका। देखिए हम बात कर रहे हैं, तो ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं, एम्फीबिया। एम्फीबिया ये क्या है भाई, ये है रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, और ये है एवीज, एवीज, और ये है मैमेलिया, मैमेलिया, ठीक है। अब बात समझिए, एम्फीबिया में जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है अगर लैंड में है, ठीक है, अभी मैंने बताया था कि अगर स्थल पर है तो उसमें किसके द्वारा, लंग्स के द्वारा श्वसन होता है, ठीक है। अगर एक्वेटिक है तो किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा। अब अगर लैंड में है ना, भूमि में, तो उसका एक्सक्रीटरी मैटर यूरिया होता है, यूरिया NH2CO, ये यूरिया है। और उसके बाद अगर एक्वेटिक है तो क्या होगा, उसमें अमोनिया होगा, एक्वेटिक में है तो अमोनिया होगा। अगर रेप्टाइल्स में, अगर लैंड में है तो यूरिक एसिड है इसका एक्सक्रीटरी मैटर, अगर जो एक्वेटिक पानी में है तो अमोनिया। यहाँ एक को अंतर है, अमोनिया अमोनिया सेम है, यहाँ पर यूरिया है, यहाँ यूरिक एसिड है, ठीक है। अब यहाँ एवीज में भी इसका एक्सक्रीटरी आगे क्या होता है, यूरिक एसिड। अब मैमेलिया में हम लोग में जो है यूरिया होता है, अपने लोग सुसु करते हैं, बाथरूम करते हैं, तो क्या निकलता है, यूरिक एसिड निकलता है, यूरिया निकलता है, यूरिया, समझ रहे हैं हम, यूरिया, ठीक है। जब भी सुसु करेंगे तो यूरिया निकलेगा मैमेलिया में। अब देखिए अगली खास बात क्या है कि फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की बात करें, निषेचन, यही तो इसका जायका वाला बात है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। इसमें जो एम्फीबिया में फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है, कैसे होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्या है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। देखिए जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं, नर तथा मादा युग्मक का संयुग्मन, ठीक है, वो होता है क्या, निषेचन होता है। तब इसमें निषेचन एक्सटर्नल होता है, शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर, शरीर के अंदर नहीं मिलते हैं, ठीक है। और रेप्टाइल्स जो है इसमें इंटरनल, इंटरनल होता है, रेप्टाइल्स में कैसे होता है, इंटरनल, शरीर के अंदर ही निषेचन होता है इसमें। और ये ओवी पेरस होते हैं, देखिए वीवी पेरस, ओवी पेरस दुट होते हैं, तो ओवी पेरस मतलब अंडे देने वाले, इस सब अंडा देते हैं, अंडा अंडा ले अंडा, तो रेप्टाइल्स जो है अंडे देते हैं। लेकिन हम लोग अंडे थोड़ी ना देते हैं कि हम कह देंगे कि हम अंडे से पैदा हुए, ठीक है, अंडे से नहीं। मैमेलिया कैसे होते हैं, ओवी पेरस होते हैं, बच्चे देने वाले, ठीक है। अब देखिए अगली खास बात, एवीज जो है, एवीज में भी फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इंटरनल होता है। और ये कैसे होते, ये भी ओवी पेरस होते हैं, अर्थात ये भी अंडे देते, कोनो चिड़िया का बच्चा देते देखा है क्या, नहीं देखा ना, तो एवीज जो है ये भी अंडे देते हैं, ठीक है। मैमेलिया जो है, जो मैमेलियंस है, मैमेलियंस है, ये कैसे, तो ओवी पेरस हो भी सकते हैं और वीवी पेरस, मोस्टली वीवी पेरस होते हैं, कुछ जो है ओवी पेरस होते हैं, कुछ वीवी ओवी दोनों होते हैं, ठीक है। प्लेटिपस नाम सुना है ना, अभी एक सेक्शन का भी लेक्चर हम आपके साथ लेकर के उपलब्ध होंगे, कुछ इसमें जो ओवी पेरस है और कुछ जो है बहुत ज्यादा जो है वीवी पेरस है, मतलब अपने बच्चे को जन्म देते हैं, आराम से बैठ के दूध पिलाते हैं, ठीक है, हम लोग दूध पिए हैं, ठीक है, इसमें कौन बात है। अब देखिए डेवलपमेंट की अगर बात करें, डेवलपमेंट इनका विकास क्रम कैसे, विकास कैसे होता है, एम्फीबिया में जो विकास होता है इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट मतलब ये है कि इसमें लार्वा इसमें मदद करेगा, लार्वा की सहायता से होता है, अगर लार्वा नहीं होगा तो होगा ही नहीं, समझ रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट, अर्थात इसमें बाय द हेल्प ऑफ लार्वा, लार्वा की सहायता के द्वारा होता है, जैसे मेंढक में है, मेंढक में टैडपोल लार्वा नहीं होता है, टैडपोल के द्वारा। रेप्टिलियन जो है डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, पोलार वाला भाग नहीं लेता है, डायरेक्ट होता है, अंडा फूटा बच्चा निकला, ठीक है। एवीज में भी अंडा फूटा बच्चा निकला, कोनो लार्वा वाला नहीं है। हम लोगों में भी तोंद फूटी कि शिशु आ गया, ठीक है, उत्पन्न हो गए, उत्पन्न हो गए, ठीक है, यह मैमेलिया में भी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाए कि आखिर एग्जाम्पल क्या क्या है, क्या है इसके उदाहरण, उसको भी देख लिया जाए, ठीक है। अच्छा चलिए उदाहरण को दिखाते हैं कि उदाहरण क्या है, ठीक है, उसको भी थोड़ा देख लिया जाए। आजा भाई आजा उदाहरण की अगर बात करें, अब फिर से हम एक बार याद दिला दें, फिर चलते हैं। ये है एम्फीबिया, ये है रेप्टिलिया, और ये है एवीज,
ऑस्ट्रेलिया में बुफो बुफो टोड है, मेढक है, दाई बाबा वाला मेढक है, घर में आके निकले हम लोग गोपाल जी, ठीक है। तो बुफो एखर राना टिग्रीना मस्त जो है बरसात के मौसम में पीला पीला ऐसे देखाई, पीला जैसे हम ना, और जो है बरसात नहीं है तो नहीं रहेगा, और जब बारिश होगा तो अपना सर निकालेगा, अच्छा कौन है देख रहा है, तब निकलेगा एकदम पीला पीला, टर्र टर्र करेगा एकदम, यहाँ निकलेगा। तो वो बू क्या है राना टिग्रीना, और उसकी वेराइटी छोटी वाली होती है, अगर वही सहार हमेशा निकले तो वो येलो कलर उसका भाग जाता है और जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है रानी। एक है हाइला, हाइला ट्री फ्रॉग कहलाता है, हाइला को क्या कहते हैं ट्री फ्रॉग, ये थोड़ा सा पतला पतला होता है, इसकी लंबे लंबे थोड़ा सा ये होते हैं तुलना में, और उछल के जो है पेड़ पे चढ़ जाता है, तो इस कारण इसको क्या कहेंगे ट्री फ्रॉग, पत्ती में छुप जाएगा हरा फला, हाँ थोड़ा हरा हरा भी होता है, और जहां जाएगा ना चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो यू यू करेगा, ठीक है उसमें हाइला ट्री फ्रॉग। और सैलामेंड्रा भैया, सैलामेंड्रा है इसमें, इसको भी ध्यान रखिएगा। और एक है इक्टियोफिस, ठीक है इक्टियोफिस, ये इसको आप समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इक्टियोफिस, ये क्या है लिम्बलेस एम्फीबियंस है भाई, इसमें लिम्ब उम्ब नहीं होता है, लिम्ब उम्ब नहीं होता है। अच्छा एक बात और बता दें हम आपको, लिम्ब की अगर बात आएगी ना तो सब में चार होता है, हम लोगों में भी दुई ठुई हो गया, दुठ पैर हो गया, एम्फीबियम मेढक में भी दुठ आगे देखा दुठ पीछे देखा है, और छिपकली में देखा दुठ आगे दुठ पीछे। अब आप सोच रहे हैं पश्चिम तो हम दुई ठू देखे हैं, पक्षी जो है उसमें लिम्ब तो हम उसका पैरवा तो दुई देखे हैं, और उसको टेट्रापोडा में बाहर रख दिए, तो उसका जो पंख है हम आपको बता दें ना उसमें फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन है, फोर लिम्ब वन पेयर एक हैंड लिम्ब, फोर पेयर मतलब फोर लिम्ब मतलब आगे वाला और हैंड लिम्ब मतलब पीछे वाला, तो आगे वाला जो लिम्ब है उसका मॉडिफाइड होता है पंख, अब चाहे वो उड़ने का काम करे भैया, चाहे उसका अपना नाश्ता वास्ता बैठ के करे, समझ रहे हैं ना, तो उसका पंख अभी नोच उच दीजिए तो दिखेगा आगे वाला दुठ हो ऐसे रहेगा दुठ हो दुठ हो पैर उसका, समझ गए, इसलिए टेट्रापोडा में उसको भी रखते हैं। अब यहाँ रेप्टाइल्स की अगर बात करें, अच्छा हाँ ये लिम्बलेस एम्फीबियन है, इसको आप बात ध्यान रखिएगा इक्टियोफिस में, ठीक है। रेप्टाइल्स में क्या है चिलोना है, चिलोना टर्टल है, ठीक है टर्टल, रेप्टाइल्स कछुआ देखेगा भाई निकलेगा कछुआ। अब उसके बाद क्या है अगला टेस्टुडो है, टस्ट्राइस, और ये कैमेलियन ट्री लिजार्ड है, और क्रोकोडाइल्स है, और नाजा नाजा है, कोबरा है, सर्प है, और एवीज जो है एवीज में पक्षी में, पक्षी में भी जिसे ऑस्ट्रिच है, ठीक है ऑस्ट्रिच, स्ट्रुथियो, ठीक है ऑस्ट्रिच है, पावो पिकॉक माने मोर ऑस्ट्रिच माने शुतुरमुर्ग, कोलंबा पिजन माने कबूतर, कबूतर है। और उसके बाद अगला है पैरट, पैरट माने तोता, तोता माने हरा हरा चोंच इसका लाल लाल, समझ रहे हैं, तो ये हो गया। अब मैमेलियन क्या है, मैक्रोपस है, जिसको कंगारू बोलते हैं, उछलेगा ऑस्ट्रेलिया वाला कंगारू अपने थैली में अपने बच्चे को रखकर उछलेगा। ये क्या है टेरोपस मतलब फ्लाइंग फॉक्स, अरे बाप रे बाप, फॉक्स अरे लोमड़ी, और फ्लाइंग माने उड़ने वाली लोमड़ी, ठीक है इसको समझिए उड़ने वाली लोमड़ी। अगला क्या है पैमेरस माना कैमल, ऊंट रेगिस्तान का जहाज चलेगा ऊंट कुबड़े में अपनी भर करके। अगला क्या है रैटस है, रैट चूहा, माउस माने मुंह, मुस माने मुंहा, समझ रहे हैं, ये सब हो गए। तो ये रहा कंपेरिजन की क्लास, अगर इसमें थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ नए लेक्चर को लेकर के, ठीक है ओके थैंक यू।